ऐसा ही एक ईंट भट्टा था, बिल्कुल ऐसी ही एक जगह थी, बस वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। 90 के दशक में ईंट भट्टा ही बाहुबलियों की पहचान हुआ करती थी। अशोक महतो की बाहुबली बनने की कहानी भी ऐसे ही ईंट भट्टे से शुरू हुई। ईंट भट्टे के मालिक के यहाँ अशोक महतो मजदूरी का काम करते थे, बदले में थोड़ा बहुत पैसा और बहुत सारी बेइज्जती मिला करती थी। अशोक महतो पिछड़ी जाति के थे। उन दिनों बिहार में सरकार, शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं थी और कानून तो बस नाम का ही था। ईंट भट्टे के मालिक के यहाँ एक दिन अशोक महतो पहुँचे। खूब खरी खोटी उस मालिक ने सुनाई, लेकिन आज अशोक महतो कुछ सुनने नहीं आए थे, बल्कि सुनाने आए थे। उस दिन अशोक महतो ने पहली बार गोली चलाई। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अशोक महतो की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अशोक महतो बिहार का कितना बड़ा बाहुबली है, इसका अंदाजा आप उन वेब सीरीज से लगाइए जो अशोक महतो की दबंगई पर बनी, जो अशोक महतो की ताकत पर बनी हुई वेब सीरीज़ हैं, जो फिल्में हैं, जो टेली सीरीज़ हैं, वो उसकी दबंगई की कहानी बयां करती है। क्योंकि ये किस्सा और ये दास्तां कोई आम बात नहीं है। अशोक महतो पिछड़ी जाति से आता है और बिहार में जाति के नाम पर सरकार बनती है, जाति के नाम पर बाहुबली बनते हैं, जाति के नाम पर ही ताकत खड़ी भी होती है और ताकत ध्वस्त भी होती है। अगड़ी जाति का बाहुबली होना, पिछड़ी जाति का बाहुबली होना और उन दोनों के बीच में गैंग वॉर होना, खून खराबा होना, ये ऐसा दौर है जिससे बिहार भी खौफ खाता है। अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं। 90 के दशक में बिहार के नवादा के आसपास के इलाकों में कुर्मियों की आर्थिक स्थिति तंग थी। अशोक महतो ने पहले क्राइम का रास्ता अख्तियार किया, फिर जाति के साथ मिलाकर एक नया प्रयोग करने की कोशिश की। इस केस में फ़र्क इतना था कि अशोक महतो के पास ना पैसा था, ना पावर थी, और तो और अशोक महतो का कोई नाम भी नहीं था। ऐसे ही एक छोटे से गांव के छोटे से कच्चे मकान से अशोक महतो की कहानी शुरू हुई, उसके बाहुबल की कहानी शुरू हुई जो मुंगेर के सियासी रण तक जा पहुंची। इस वक्त मैं हिमजापुर में आ गई हूं और जो इस वक्त समर्थकों की भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं, वो समर्थकों की भीड़ यहां पर अशोक महतो जी के लिए है। अशोक जी इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके गले में जो इस वक्त आप पट्टा देख रहे हैं, ये आरजेडी का है, लालू यादव का चेहरा है और लालटेन का निशान है। अशोक जी, इस वक्त चर्चा बड़ी जबरदस्त हो रही है, ये चुनाव बड़ा जबरदस्त है और टक्कर बाहुबलियों की है। आप बाहुबली हैं? बाहुबली अगर कहते हैं तो बाहुबली तो हैं, जनता जब साथ है तो बाहुबली है, जनता के का बाहुबली है। महतो जी, आप बाहुबली बनने की कहानी ये बड़ी दिलचस्प है। लोग जब, मैं तो दिल्ली से यहाँ आ रही हूँ, दिल्ली में बैठे बैठे जब मैं लोगों के बीच में चर्चा सुनती हूँ तो सब कहते हैं बाहुबली का मतलब बिहार के बाहुबली, तो ऐसा क्यों कहते हैं? वो तो जो लोग बाहुबली हैं वो लोग कहते होंगे, हमको सबसे कोई अति नहीं। लेकिन आपके पीछे ताकत तो है? ताकत जनता है, देखिए रहे हैं कितना जनता का हुजूम है हर जगह, आप तो बहुत दूर से पीछा करते हुए आ रहे हैं। अशोक महतो कानून के निगाह में क्रिमिनल बन चुका था, लेकिन अपनी जाति के कानून में वो एक हीरो था, कुर्मी जाति का हीरो, पिछड़ी जाति का हीरो। और उसके पीछे कारण ये था कि वो भूमिहारों से सीधी टक्कर लेता था। किस्सा तो यहाँ तक सुनाया जाता है कि अपने दबदबे वाले इलाके में एक सड़क गुजरती थी ऐसी, जहाँ पर अशोक महतो ने भूमिहारों का आना जाना तक बंद करवा दिया था। अगर भूमिहार वहाँ से निकलने की कोशिश करते तो या तो उन्हें पीटा जाता था या फिर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। भूमिहार बनाम पिछड़ा वाली जंग आज मुंगेर की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। लालू यादव का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है और इस प्रयोग के सेंटर में है अशोक महतो, जिनके लिए सियासी बाहुबल बनने का आखिरी मौका है। मुंगेर से बीजेपी की तरफ से ललन सिंह मैदान में है
और आरजेडी के अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी पर दांव खेला है। लालू जी और रावड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के दो राइफल इधर और दो राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं, किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। ऐसा नहीं है अशोक महतो सियासत के कच्चे खिलाड़ी हैं। बाहुबली बनने के बाद अशोक महतो ने नेतागिरी वाला काम भी शुरू कर दिया था। भूमिहार बनाम पिछड़ा वाली सियासी जंग में अशोक महतो जीत भी चुके हैं। 2005 और 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो जीते, दोनों बार अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को हराया। लेकिन अशोक महतो कभी खुद चुनावी रण में नहीं उतरे।